छठ पर्व के दौरान कोई भी दुर्घटना ना हो और लोग पूरे उल्लास से छठ पर्व मना सके, इसके लिए गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा और SDO विशालदीप खलगो ने पूरे प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ आज पचम्बा के तालाबों का निरीक्षण किया। तालाबों के निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने न सिर्फ स्थानीय कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ व्यवस्था को लेकर न सिर्फ विस्तृत बातचीत की बल्कि तालाबों की गहराई का भी जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व सफाई के लिहाज से कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कल तक आप कर लीजिए, परसों से मना कर दीजिए। लेकिन साफ सफाई के लिए थोड़ा जरूरी, साफ सफाई चालू तो लोकल जितनी महिलाएं अगर अगर आगे आगे 10 फीट है आखिरी आओ तो कहाँ आ पा रहे हैं, वहाँ भी रहना है। उसमें मिश्रा जी वो तला सामने वाला और डीप है, वो एक वहाँ रह लेंगे। यहाँ भी नहाने वाले भी कल से आप वो कर दीजिए कि कल के बाद इसमें कोई गंदगी ना फैले, ठीक है। और आप अपना जिसको धोना है अपना आज तक धो लीजिए, कल से अपना जाइए घर वर में धोइए। अगर कोई ये हुआ तो वो तो अंदर उसको पानी खींच ज़्यादा डेप्थ होगा। जिला प्रशासन, जिला पुलिस, नगर निगम के वरीय पदाधिकारियों के साथ आज भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया है, जिसमें बूढ़ी तालाब और उसके बगल भी एक तालाब है। उसके निरीक्षण के दौरान कुछ चीज़ें जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी थी उन मापदंड को अपनाने का निर्देश उनकी जो कमेटी के जो प्रमुख लोग हैं उनको दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से सुरक्षा है तो बहुत सारे जो है वो चीज़ उपलब्ध यहाँ पर कराए जाएंगे। हमारी तरफ से गोताखोर की तैनाती की गई है और सभी जो भी कमेटी के लोग हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि वो भी अपने वॉलंटियर्स यहाँ पर सुरक्षा दें और अच्छे से ये पर्व त्यौहार संपन्न कराया जा सके। सर, कुछ तालाबों में की गहराई काफ़ी अधिक देखा गया है, जो गुड़वा तालाब है उसका भी गहराई काफ़ी है। हाँ, अभी गहराई के दृष्टिकोण से हम लोगों ने उसकी नपवाई भी की है और दरअसल ये तालाब के सौंदर्यीकरण के दौरान उसकी गहराई थोड़ी बढ़ी जरूर है, परंतु उसको हम लोगों ने देखा है और सुरक्षा के सभी दृष्टिकोण से उस जगह के पहले जहां पर सुरक्षित ढंग से लोग अपना छठ व्रती पर्व मना सके वहां पे बैरिकेटिंग करने का निर्देश दिया गया है और बैरिकेटिंग नगर निगम के द्वारा आज से ही शुरू कर दी जाएगी, जिसमें लोहे के चेन की कड़ी लगाई जा रही है और कुछ स्थानीय जो उनके कमेटी के लोग हैं उनके द्वारा भी रस्सी और बांस के जो है सारे सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं और एक सीमा तक ही लोगों को छठ व्रत करने का जो है परमिशन दिया गया है कि उससे आगे गहराई अधिक होने की वजह से वो आगे नहीं जा सकेंगे और इस वजह से कई लोग जो है उनको बिल्कुल सुरक्षित ढंग से पूजा करने में जो है सहूलियत होगी।